उबैद ने हमें क्वेश्चन किया है लाहौर से, वो उबैद पूछना चाह रहे हैं कि मोहम्मद आमिर की क्या जगह बनती है टीम में, अगर बनती है तो क्या वर्ल्ड कप के लिए वो हो सकते हैं? सर नहीं, मेरा नहीं ख्याल है इस बॉलिंग अटैक में। अब देखे ना, ये मेहनत करके एक सर्किट में लोग खेल रहे हैं, कप्तान उसका माइंड बना हुआ है कि इनके साथ हमने आगे जाना है। सो मुझे नहीं लगता कोई भी और फास्ट बॉलर को आने के लिए ना बहुत बड़ा एक कारनामा अंजाम देना पड़ेगा जी, क्योंकि आपके पास टैलेंट फास्ट बॉलिंग का बहुत और वैसे भी अभी तो उन्होंने रिटायरमेंट भी ली हुई है। वैसे मोहम्मद आमिर का फ्यूचर क्या देखते हैं, मतलब अब क्योंकि बीच में जो एक टाइम उन्होंने फेस किया उसके बाद वापसी तो हुई लेकिन वो पहले वाला स्पार्क नहीं था उनमें। देखें, ये एक तरह से एक तो कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया, फिर कॉन्ट्रोवर्सी खुद भी मोल लेते हैं क्योंकि कमेंट्स करते हैं रिगार्डिंग यू नो आपके ऑफिस बेयरर्स हो जाएं चाहे टीम के हो जाएं, तो ये मुझे नहीं पसंद कभी भी आती। जब आप खेल रहे होते हैं तो फिर आपको फिर खेलना है, बिल्कुल, फिर आपकी परफॉर्मेंस बोलती है, आपके फैंस चाहते हैं कि आप खेलें, मगर उसके बाद 10,000 और एंगल्स लग जाते हैं, वो आपको चाहिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आप एक तरह से टेंटेड हो जाते हैं, कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं, उसके बाद तो फिर आपको फूक फूक के कदम लेना है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये सिचुएशन। अच्छा, थोड़ा सा मैं पर्सनली जानना चाहूँगा आपसे हसन अली के हवाले से। हसन अली जब इंजरी के बाद वापस आए, साउथ अफ्रीका के गेस्ट सीरीज में मैन ऑफ सीरीज भी रहे और बड़ी शानदार किस्म की बॉलिंग की, बट एकदम से हमने देखा कि उनका पेस भी ड्रॉप हो गया, टीम और स्विंग भी खत्म हो गई, और ख़ासतौर पर जो उनकी यूनिकनेस थी मिड ओवर में आके 20 से 30 ओवर के अंदर आके जो विकेट्स लेते थे वो पाकिस्तान की विक्ट्रीज में बहुत बड़ा रोल था। अब जो भी तक हमारा मिसिंग पार्ट है तो फिर जब भी उनको अपॉर्चुनिटी मिली टेस्ट मैचेस में या हमने देखा T20 भी एक दो खेले, वो चीज़ नज़र नहीं आई। आज दो के काउंटी में उन्होंने कुछ आउट किए, तो हसन अली को कैसे देखते हैं आप? देखिए, कईयों का रोल डिफाइंड भी होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मिडल ऑफ द इनिंग्स आके आपने क्या करना है, आपने रन रोकने या आपने विकेट लेनी है। कई दफ़ा कन्फ्यूजन में सिचुएशन को सामने रखते हुए आपसे वो रोल अदा करवाया जाता है जिसके लिए आप तैयार नहीं होते। सो अगर आपका USP है कि आपने आउट करना है तो फिर आपने आउट करना है, फिर जैसे हारिस रऊफ है, फिर मार पड़ेगी तो लिव विद इट, वो कुछ नहीं आप कर सकते जी। तो हसन अली का भी मुझे कई दफा लगता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि क्या ये स्ट्राइक बॉलर हैं या क्या ये रन्स रोकने वाले बॉलर हैं। बिल्कुल, और उनको भी खुद डिफाइन ये करना है। पाकिस्तान का मसला यही है कि हमारी फास्ट बॉलिंग जो है ना वो एग्रेसिव मोड में दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग है, डिफेंसिव मोड में हम उतने अच्छे नहीं है, जहाँ पे आपको 6 बॉल एक जगह पे कराने हैं और रिदम को किल करने के लिए डॉट्स कराने हैं, हम शायद उतने अच्छे नहीं हैं जितनी बाकी मुल्क हैं, या दोनों तरह से जो एग्रेसिव और डिफेंसिव मोड में खेलते हैं कुछ बॉलिंग टीम्स, वैसी अभी तक हमारी टीम नहीं। अच्छा बीबी, मैं जनरली आपसे जानना चाहूँगा, एक 80s या 90s में खासतौर पर आफ्टर बिकमिंग द वर्ल्ड चैम्पियन एक एग्रेसिव अप्रोच पाकिस्तान की थी, और 90s का पूरा एरा 20s का भी हम फर्स्ट पार्ट कह सकते हैं, हम इनोवेशन लेके आते थे और हर चीज़ में हम लीड करते थे, चाहे इस क्लैन के दूसरे की बात करें, अफरीदी की तेज सेंचुरी की बात करें, पेस की स्विंग की बात करें, मतलब हर पार्ट पे आप देखेंगे तो हम लीड कर रहे थे, बट एक स्टैग्नेंट सा हो गया हमारा मामला कोई 10-15 साल से, कोई डिफरेंट चीज़ें हमारी तरफ से नहीं आ रही, एक सर्टन सिमेट्री से चीज़ें चलती हैं और उसी तरह हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो इसकी क्या रीज़न है? नहीं, हम थोड़ा सा ज्यादती करते हैं अपने प्लेयर्स के साथ, इन लोगों ने बड़ी मेहनत करके यहाँ पे मुकाम, अब बाबर आजम की बात होती है सारी दुनिया में होती है, इसी तरह से शाहीन अफरीदी की बात होती है सारी दुनिया में होती है, हारिस रऊफ जो है वो लीग्स के फेवरेट हैं, स्माइल रखते हैं, गेम के लिए बेहतरीन, ऐसा है हमें एक इंडिविजुअल चाहिए जो कि यू नो गैलरी के लिए भी खेलता है, जो कि पैशनेट है, आउट करके आपको पता चलता है हाउ मच ही वांटेड इट। इसी तरह से जो आपकी जो सिर्फ हमारा जो प्रॉब्लम है वो मिडल ऑर्डर है और स्पिन बॉलिंग है, स्पिन बॉलिंग में शादाब हैं और शादाब जो हैं वो भी अंडर वैल्यूड हैं, आई थिंक उनको भी हम ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। ठीक है, भारत बहुत अच्छा स्पिन को खेलता है बट बाकियों के खिलाफ उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।